तो मित्रों कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे शिव जी के बारे में, शिव जी यानी देवों के दो महादेव के बारे में। उनकी जटा पर चंद्रमा विराजमान है। शायद हम में से कुछ लोगों को नहीं पता है यह क्यों विराजमान है। आज चलते हैं, आपको बताते हैं कि शिव जी की जटा पर चंद्रमा क्यों विराजमान है। हुआ यह, शिव पुराण के अनुसार एक कथा के अनुसार राजा दक्ष की 27 कन्याएं थी और उनका विवाह चंद्रमा से किया गया। राजा दक्ष ने 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से किया और सभी कन्याओं में रोहिणी सबसे सुंदर थी, जिसको चंद्रमा अत्यंत प्रेम करता था। और शायद यही वजह है कि अन्य कन्याओं को यह बात खली और इसका विरोध वह की। साथ ही उन्होंने राजा दक्ष से इसकी शिकायत भी की और राजा दक्ष को यह बहुत ही बुरा लगा और भी क्रोध में आ गए। क्रोध में आते ही उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि उन्हें क्षय रोग से ग्रसित होने का श्राप दिया। इसके बाद चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित हो गए और उनका यह कुरूप रूप बहुत ही भयानक हो गया। चंद्रमा ने इसका इलाज के लिए देवों के देव महादेव की घनघोर तपस्या की और महादेव तो भोले भंडारी हैं, उनको वह प्रसन्न किए और महादेव ने उनको आशीर्वाद दिया और उनका क्षय रोगों से उनको मुक्त किया। इस वजह से चंद्रमा उनके शीश पर विराजमान हुए। ऐसे कथाओं को लेकर हम एक बार फिर मिलेंगे आपसे। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और साथ ही धन्यवाद।